इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो कल हम लोग वापस आ गए थे और कशिश से बात होती रहती है, कल रात भी हुई थी, आज सुबह भी हुई थी और अभी शाम को भी मैंने इससे बात करी थी। तो काफ़ी खुश है और काफ़ी इंजॉय कर रही है नई लाइफ का फेस अपना। तो फिलहाल शाम का टाइम हो रहा था और मैंने आज सोचा क्यों ना अपने जो काम मेरे रह गए थे उनको पूरा किया जाए। तो आज मैं अपनी किचन में मसाला बॉक्स अरेंज करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, नई स्पाइस रैक ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। ये मेरी नई जो किचन है इसमें मैंने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं की थी, अभी रैंडम बेस पे मैं ऐसे ही काम चला रही थी। आपको दिखाऊंगी कि क्या हालत हो रही थी अभी फ़िलहाल और मुझे अभी उसे कहते हैं कन्वर्ट करना है एक ऑर्गेनाइज स्पाइस रैक में। तो उसके लिए मैंने कुछ नए मसाला बॉक्स भी मंगाए हैं, सॉल्ट बॉक्स मंगाया है, मसाला बॉक्स मंगाया है। बहुत ही प्यारा आया है गाइस, आपको दिखाऊंगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। अभी अगर बात करूं तो कुछ ऐसा हो रहा है, मैं ना आज सबसे पहले आपको दिखाती हूं अपना ये स्पाइस रैक। तो ये मेरा स्पाइस रैक है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप देख सकते हो। और आज मैंने ये अपनी रिवॉल्विंग मसाला ऑर्गेनाइजर को भी वॉश किया था तो बिल्कुल चमक गया, स्टील का बना हुआ है ये तो एकदम से शाइन कर रहा है, आप देख ही सकते हो। ये रिवॉल्विंग है, काफ़ी हेल्पफुल है, मैंने इसे 5-6 साल तो लगातार यूज़ किया है। और वैसे मैंने तो ये US से परचेज किया था लेकिन आप सभी के लिए मैं इसका लिंक छोड़ दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस जैसे अब आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे। तो इसमें ना काफ़ी सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इनके साथ आती है ग्लास की ये बोतल, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप की जार आते हैं। तो जब मैंने इसे रिसीव किया था तो इसमें सारी की सारी मुझे मिली थी हर्ब्स, जो कि US में या मेडिटेरियन डिश जो बनाते हो आप, इटालियन डिश बनाते हो उनमें यूज़ करते हो, जैसे रोजमेरी है आपका, इटालियन सीजनिंग है, बेसिल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे मिली थी। जितने भी हर्ब्स होते हैं ना वो सारे के सारे इन कंटेनर्स में भरे हुए थे। तो कुछ तो ऐसे हर्ब्स थे जो मेरे कुकिंग में काम में आ जाते थे लेकिन कुछ ऐसे हर्ब्स थे जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते थे। 4-5 साल से ये बॉक्स भरे हुए थे लेकिन मेरे कभी काम में नहीं आते थे। तो अब मैंने इन्हें खाली कर दिया इस तरीके से और इसे भी मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, इसे ऑर्गेनाइज करके मैं लगाऊँगी अपने कबाना में, ये कबाना में काम आएगी। अब मेरे इसे वॉश करने के लिए पहले तो मैंने विम लिक्विड से अच्छे से साफ किया और बाद में टूथपेस्ट से ना इसके कॉर्नर जो होते हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो पूरी चमक गई, वॉश हो गई, अच्छी लग रही है देखने में, शाइन कर रही है। और इन ग्लास बोतल के साथ ना इस टाइप के कैप आते हैं, चाहो तो लगा लो इस तरीके से तो यहाँ से मसाले बाहर आ जाएंगे और चाहो तो इनको हटा भी सकते हो और खाली इसके ऊपर ये वाली कैप लगा दो। तो काफ़ी अच्छे हैं ये, इसके साथ जो जा रहा है सब पर ना इस टाइप के स्टिकर चिपके हुए थे पहले, जैसे यहाँ पर चिपका हुआ है ऐसे स्टिकर चिपके हुए थे, वो भी मैंने हटा के फिर मैंने इन्हें अच्छे से वॉश किया है। तो सारे मसालों को मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, ये जो गैस स्टोव है उसकी जो सेकंड ड्रॉर है, तो मैं अभी इसमें रख रही थी इस टाइप की स्टील की, ये मेरी मसालदानी है जो कि काफ़ी छोटी है, एवरी वीक मुझे इसे फिल करना ही पड़ता है, इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं, बल्कि 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे एक बड़ी मसालदानी चाहिए थी जो कि मैंने परचेस कर ली है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। जब कोई भी चीज़ मुझे सुखानी होती है तो ये रेड कलर का जो मैट है ये काफ़ी हेल्प करता है, इस पर मैं सुखा देती हूँ, कोई भी पानी नीचे नहीं गिरता जिससे कैबिनेट्स वगैरह ख़राब नहीं होती और अच्छे से ड्राई भी हो जाता है। तो पहले तो मैंने इस तरीके से सुखा दी थी सारी, फिर मैंने थोड़ी देर बाद इन्हें हवा लगने दिया जिससे कि जब भी स्पाइसेस वगैरह मैं रखूँ तो उनमें मॉइस्चर ना आए, अगर मॉइस्चर आपके स्पाइसेस में आ गया तो आपके स्पाइसेस ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये एक मसालदानी जो कि जिसमें एक रैक में सारी वही हर्ब्स वाली बना रही हूँ क्योंकि ये हर्ब्स मेरे काफ़ी काम में आते हैं। और बाकी मैं लगाऊँगी कुछ मसाले वगैरह जिसे हम कबाना में यूज़ कर पाए। तो स्पाइसेस तो मैं अरेंज करूँगी ही, सारे के सारे स्पाइसेस यहाँ रख लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ना स्पाइसेस के साथ साथ एक और चीज़ मंगाई है, वो है ये सनबीन की बीटन कॉफ़ी। और ये फिटी हुई कॉफ़ी है और इसमें आपको कोई भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे याद है बचपन में ना हम लोग क्या करते थे कि कप में कॉफ़ी डाल के उसमें थोड़ी शुगर डाल के थोड़ा दूध डाल के उसे फेंकते थे और जब कोई थक जाता था तो दूसरे को पकड़ा देते थे, इस तरीके से 2-3 लोग मिल के हम लोग कॉफ़ी फेंकते थे। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 बार फेंकी होगी क्योंकि थक जाते, ऐसे अंगूठे में उंगलियों में दर्द हो जाती थी। न्यू ईयर पे ज़्यादा करते थे, न्यू ईयर या सर्दियों में ज़्यादा होता है कि चलो फिटी हुई पिएंगे। तो इस पे ना इसका रेसिपी भी दी हुई है, चाहो तो आप इसे हॉट कॉफी बना सकते हो, चाहो तो कोल्ड कॉफी। तो मैं आज बना रही हूँ हॉट कॉफी।
kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. तो दोस्तों ये है वो मसाला बॉक्स जो कि मेरी किचन का नया एडिशन होने वाला है और बेहद प्यारा है। दिखाती हूँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस नए मसाला बॉक्स को यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा मसाला आ जाएगा। एटलीस्ट मुझे 2 वीक तक मसाला फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने में जितना सुंदर है उतना ही यूजफुल भी है। ये ना वुड का बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप पूरा वुड का है और कुछ इस तरीके से लगेगा देखने में। इसमें ऊपर की तरफ नॉब भी है तो इस तरीके से आप इसे पकड़ सकते हो। और इसके साथ है ये डिब्बियां जो कि काफी बड़ी हैं, ये देखिए काफी बड़ी है। अभी जो मेरे पास मसाला बॉक्स है स्टील वाला उसकी इतनी थी और ये उसकी जस्ट डबल है, तो वो अगर 5-6 दिन काम में आ जाता है तो ये मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन तो आराम से चल ही जाएगा। काफी गहरी भी है ये, तो इसमें बहुत सारा मसाला फिल हो सकता है। इसमें मैं रेगुलर वाले मसाले फिल करने की सोच रही हूँ, जैसे कि हल्दी है आपका, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला, इस टाइप की चीज़ें मैं इसमें फिल करूँगी जो कि हमारे हर एक सब्जी में यूज़ होती है। तो ये ना 5 बॉक्स हैं जो आपको इसके साथ मिलते हैं, तो 5 बॉक्स ही मतलब 5 या 6 ही डिब्बियाँ होती हैं जो रेगुलर काम में आती हैं। नमक के लिए मैं अलग से यूज़ करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी अभी। और ये जितने भी मसाला बॉक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सब के सब मैंने आज से 2 महीने पहले परचेस कर लिए थे और डिलीवरी भी मेरे पास आ गई थी, लेकिन घर में शिफ्ट होना, किचन को सेट करने में, ये सब में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और जिसमें से बीच में मेरे पास बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही थी, तो अब टाइम है तो मैं हर एक चीज़ अच्छे से लगाना चाहती हूँ अपनी किचन में। मैं इसमें ऐसा नहीं करना चाहती कि कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हुई है, अब मेरे पास प्लेस है तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी तो मुझे चीज़ें भी टाइम पर मिल जाएंगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो ये एक मसाला बॉक्स, आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। इन सभी के जो लिंक है ना वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आपको वहीं मिल जाएंगे। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्ट बॉक्स। तो यहाँ पर है मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा वुडन सॉल्ट बॉक्स। सॉल्ट मैं हमेशा सेपरेटली ही रखती हूँ, पहले भी मेरी जो मसालदानी थी कहते हैं मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली मसालदानी, इसमें भी मैंने सॉल्ट नहीं रखा हुआ है, सॉल्ट मैं हमेशा से अलग ही रखती हूँ। तो इसमें भी यही मसाले रखे हुए हैं, इसमें थी डिब्बियाँ 6 और 1 7-7 डिब्बियाँ थी, जिसमें 2 में मैं धनिया पाउडर ही रखती थी क्योंकि धनिया पाउडर ज़्यादा काम में आता है मेरे, तो टेक्निकली अब मुझे 2 में रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 में ही रखूँगी। और ये जो सॉल्ट बॉक्स है ये वुडन वाला है और कुछ इस तरीके से खुलता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा है और ये ना काफ़ी गहरा भी है, ये देखिए इतना गहरा है लगभग, और इस तरीके से स्लाइड करोगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है जिसकी हेल्प से ये घूम रहा है ऐसे। और इसके अलावा मैंने कुछ जार के ये सेट मंगाए हैं,
और ये वाला जो सेट है ये 24 वाला सेट है। इसमें ना नंबर के हिसाब से आप ले सकते हो, 12 चाहिए, 24 चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप मंगा सकते हो। मैंने 24 का सेट मंगाया है। इसमें जैसे कभी कभी मैं खुद के होममेड मसाले बना के तैयार करके रखती हूँ, जैसे बिरयानी मसाला हुआ, पराठा मसाला हुआ मेरा, फ्रेंकी मसाला हुआ, ये सारे मसाले मैं खुद ही बनाती हूँ घर में, तो वो भी आप फिल करके रख सकते हो। बाकी रेगुलर जो आप यूज़ करते हो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हो। मैं इसे किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ स्पाइस रैक, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी, मेथी दाना हुआ, राई हुई, और सरसों है, सफ़ेद तिल है, इलायची है। जब मैंने ये स्पाइस जार मंगाया था तो मुझे उसके साथ ये कुछ लेबल भी रिसीव हुए थे, और जिनका साइज कुछ बड़ा सा है, आप देखो तो काफी बड़ा सा साइज है, और जो जार का साइज है ना वो मैंने ये रखा था एवरेज, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो जब मैं इस पे लगाऊंगी ना, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा जो प्लेस है वो यही घेर लेंगे, मतलब जार पूरा छिप जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में। तो मैं सोच रही थी कि उन्हें मैं एक लेबल प्रिंटर ऑर्डर करके उससे पतले पतले जो लेबल करूं यहाँ पे, तो वो कम जगह भी लेंगे और चीजें भी आपकी दिखाई देती रहेंगी। ये तो काफी बड़े बड़े हैं। वाला जो जा रहा है ये दो साइड से खुल जाएगा, एक साइड से तो उसमें छेद छेद से है और एक साइड यहाँ पर पूरा ओपन है, तो जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहते हो मसाले वो यूज कर सकते हो। सोचा तो मैंने ये था कि पहले मसाले लगाऊंगी फिर आगे का काम करेंगे, लेकिन नहीं, अभी हमें भूख लगाई है, तो है कि मुझे सैंडविच खाने है रीमा, तो मैंने कहा चलो मेरे पास पाव रखे हुए हैं, क्यों ना हम पाव के सैंडविच बनाए। हम ये सारी वेजिटेबल भर के पाव सैंडविच बनाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारा तो खाना हो गया, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? वैसे तो मैं इसमें सैंडविच मसाला डालती हूँ, लेकिन मेरे पास आज है नहीं सैंडविच मसाला, तो मैं उसकी प्लेस पे डाल रही हूँ फ्रेंकी मसाला। फ्रेंकी मसाले का फ्लेवर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है जैसे सैंडविच खाते हो ना आप, उस टाइम लगता है बिल्कुल वैसा ही मसाला सैंडविच जैसे। हाँ तो हम लोगों ने ना अपनी छोटी छोटी भूख का इंतजाम कर लिया है। अब मैं भरने वाली हूँ मसाले अपने नए मसाले बॉक्स में, और ये जो डिब्बे हैं काफ़ी बड़े हैं साइज में, तो बहुत अच्छे से मसाले आने वाले हैं इसमें। मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, जो बेसिक मसाले हैं वो ही भरने थे। तो इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च और जो MDH की देगी मिर्च आती है, इन दोनों को मैं मिक्स करके भरती हूँ। तो इससे क्या होता है, तीखापन और कलर एक साथ मिल जाता है मुझे। तो मैं कटोरी में निकाल के क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। एवरेस्ट की कश्मीरी लाल मिर्च ले लेती हूँ और MDH की देगी मिर्च, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट रहता है, आप भी ट्राई करके देखना। डेली का खाना बनाने के लिए मेरी मसालदानी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। देखने में छोटा छोटा सा काम लगता है, लेकिन इनमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। यहाँ पर जो सॉल्ट बॉक्स था उसमें भी मैंने सॉल्ट ट्रांसफ़र कर लिया, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया बाय द वे, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है। तो मेरे पास ये वुडन की मसालदानी ऑलरेडी है, जिसमें मैंने सारे के सारे साबुत मसाले रखे हुए हैं, जो बिरयानी या छोले राजमा जब बनाते हो तब यूज़ में आते हैं। बड़ी इलायची, इसमें दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, शाही जीरा, ये सब रखा हुआ है मैंने। और अब
जार को भी फिल करने वाली हूँ और इन्हें मैं फिल करने वाली हूँ इस कीप की मदद से, या फनल कह लीजिए, और इससे आसानी से चीज़ जो है वो आपके जार में ट्रांसफ़र हो जाएगी और कुछ भी इधर उधर नहीं गिरेगा। इसमें मैं अजवाइन है, जैसे अनारदाना है, सफ़ेद तिल है, इस टाइप के और भी बहुत सारे मसाले होते हैं जो कि जनरल हमारे खाना बनाने में यूज़ में आते हैं, जैसे मेथी दाना है, तो इस तरह के सारे मसाले मैं अभी इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और बाय द वे इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम तक की है, 100 ग्राम तक का मसाला आपका आ जाएगा। अजवाइन, राई, मेथी, कलौंजी, सेसमे सीड, खसखस, सरसों, कसूरी मेथी, अनारदाना, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, सौंफ, बड़ी इलायची, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मेरी स्पाइस रैक ऑर्गेनाइज हो गई है, जैसे कि आपके सामने है, इतनी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज हो गई। साथ में ये जो मेरे डेली के मसाले हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ गाइस। और अभी पता है कुछ ऐसे मसाले मैं आपको दिखाना चाह रही थी जो कि हम लोग स्पेशल जब कुछ बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, जैसे कि छोले मसाला और आपका किचन किंग मसाला, ज़्यादातर पनीर की सब्जियों में, या फिर मिक्स वेज बना रहे हो तो तब डालते हो। पाव भाजी मसाला है, राजमा मसाला है, सांभर मसाला है, आपका दाल मखनी मसाला है, तो ऐसे बहुत सारे मसाले आपके पास भी होंगे जब आप कुछ ऐसी चीज़ तैयार करते होगे जो स्पेशल हो। तो ये जो मसाले के पैकेट है ना, इन्हें मैं कहीं नहीं निकाल कर फिल करती हूँ, मैं इनको ऐसे ही रखूँगी और मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ज़्यादा दिन चल जाते हैं, इस तरीके से घुन वगैरह भी नहीं लगते, कीड़े भी नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो अब काम को करते हैं बंद। और यही था गाइज आज का व्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल आप लोगों से एक और अच्छे से बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। आई वॉच यू एज यू ट्राई, डू यू नो आई एम लुकिंग एंड आई कांट हेल्प बट स्माइल, डू यू नो हाउ मच आई लव यू, यू पुट माय फेवरेट सॉन्ग ऑन, I put my feet up.